जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सबने मेरा टारगेट पर कहते हैं 100 सब्सक्राइबर, तो उसकी एक पार्टी हुई नहीं थी, जैसे मैंने बोला खाने पीने गए थे, लेकिन डांस पार्टी पेंडिंग रह गई थी, तो मैं दोस्तों भाई बिजी था, तो वो तो कर नहीं पाया डांस पार्टी में, हमने कोई प्लान कर नहीं पाया। लेकिन लगा नहीं, डांस पार्टी तो बनती है बॉस, क्योंकि आपने इतना मुझे मतलब सपोर्ट किया है, प्यार किया है, तो 100 सब्सक्राइबर होने पर डांस तो बन। हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शादी बैक अगेन। अभी का भी टाइम हो रहा है 9:15। तो अभी बेसिकली मैं मतलब सबको तो सपोर्ट किया था, अच्छा पी ली है मॉर्निंग में, एंड इस तरह तो मेरी पुखर को मतलब बहुत 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 गुड मॉर्निंग, एंड आपका आज के दिन बड़े बिंदा चखा जाए, एंड आई होप कि आपको अच्छे से नींद आई होगी। अभी तो मौसम के हाल चाल मौसम वैसे पहले से बेटर है, लेकिन अभी वैसे 9 बजे अभी तो बात नहीं हो, इस वजह तो अभी तो फिर आई नहीं हूँ धूप अभी इतनी ज़्यादा, लेकिन तभी भी देखो मौसम आगे कैसा रहता है, जैसे होगा देखना पड़ेगा ही ऑब्वियसली। बाकी मैं कहता हूँ कि मतलब आपसे भी मॉर्निंग टी पी ली होगी, आप अगर नहीं पीते मॉर्निंग टी तो कोशिश किया कीजिए कि मॉर्निंग टी या मॉर्निंग कॉफ़ी पिया करो, उससे हमारा पूरा दिन हमारा फ्रेश हो जाता है। तो बाकी बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा, एंड पानी पीते रहेगा, क्योंकि अभी के मौसम में बेशक धूप ना हो, बेशक हवा ना चले, लेकिन सबसे बड़ी बात है ह्यूमिडिटी, उससे बच के रहिए, वो उसके लिए सबसे अच्छा इलाज एक ही है पानी। तो बाकी मैं आपको मिलूँगा थोड़ी देर में फ्रेश नप होकर आराम से, अपना ध्यान रखिएगा, तो मतलब थोड़ी देर बाद छोटे करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक होकर नाम देख सकते हो, आपका अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं, एंड मैं नाटक के फिर सोचों का आपको दिखा होगा, एंड बोलना कमेंट में मैं कैसे लग रहा हूँ, जैसे नाटक के फिर सोचों का हूँ ये कॉम्बिनेशन, बोलना कॉम्बिनेशन आपको कैसे लगा, कॉम्बिनेशन ये वाला आप कमेंट करके बोल दी ना मैं कैसे लगाऊँ, कमेंट करके बिल्कुल बोला करो मैं कैसे लगाऊँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन बोला बोलो क्यों करो। एंड आप देख सकते हो बाहर का मौसम कैसा हो रखा है, धूप है लेकिन ये है कि धूप में है, लेकिन धूप तो मैनेज करनी पड़ेगी, एंड थोड़ा सा अंदर आ जाता हूँ क्योंकि बाहर है कबाड़ी वाला, फिर आपको आवाज़ आएगी कबाड़ी वाले की आवाज़ आएगी, फिर आगे कमेंट आएगा कि आपके पीछे हमेशा आवाज़ क्यों होती है कबाड़ी वाले की, जो आवाज़ आ रही होगी हल्के की आवाज़, यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे भैया बाहर निकलो कभी कबाड़ी कभी फ्रूट कभी वो कभी ये, क्योंकि हमेशा आते आते हैं। तो बाकी मैं जैसे बाहर धूप अभी है, लेकिन ये है कि धूप तो भी रहेगी रहेगी, क्योंकि अभी आपका अब 2-3 महीना और आपका धूप रहेगी, क्योंकि ये क्योंकि मौसम ही धूप का है, तो इसमें एक ही लिहाजा अपना शिफ्ट के चलो। जैसे आप देख सकते हो मैं जैसे कि पहले मैं खाली हाफ शिफ्ट पहनता था, मैं पूरी यहाँ तक ही पहनता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो अपना शिफ्ट लेके चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं आपको एक बार धूप दिखाता हूँ, बाहर की गर्मी दिखाता हूँ, एक्चुअली बाहर से कबाड़ी वाले फ्रूट वाले सब जाए थे, मैं सिर्फ अंदर को आ गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो आप देख सकते हो कैसी धूप है, मतलब आपको दिखाता हूँ एक बार, हाथ बाहर तक जा नहीं पा रहा ये, अब देखो मतलब इस धूप में अगर बाहर जाएंगे हम, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो चलता है, लेकिन ऐसे फालतू में घूमेंगे फिरेंगे तो दिक्कत बिल्कुल होगी होगी। एंड बाकी अपना ध्यान रखिएगा, और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आई होप तो ब्रेकफास्ट कर लिया होगा आप सबने भी, एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं आपको मिलता हूँ, एंड बाकी अपना देखते हैं अगर बाहर का जैसे प्लान बनता है तो बाहर का लोग आएगा, वरना आपको पता ही है मैं ब्लॉग तो घर का और बाहर का आपको मिलता है डेली का अपडेट आपको मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में मतलब 8:45 से 9:30 के बीच में आपको मैं ब्लॉग का एक फ़ोन में घंटी बज जाती होगी कि ये व्लॉग्स आ चुका है, तो वैसे आपको मैं लोग आते ही आते हैं। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर, अपना ध्यान रखिएगा, रहना स्वस्थ के से। तो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक अगेन, एंड अब देख सकते हो आपका भी टाइम हो रहा है 12:45 के आसपास, मतलब 12:45 के आसपास भी टाइम हो रहा है। तो बेसिकली अभी मैं बाहर बैठा हुआ था, बाहर क्यों बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने पिछले क्लिप में देखा, मैंने आज हमारी प्यारी कुकू एंड कुकी
हमारी प्यारी चिड़िया, हमारी प्यारी एक फैमिली मेंबर जो दो हैं, तो उनका पिंजरा साफ करा है एंड उन्हें नहलाया है। तो उसके आपने पहले क्लिप देखी, जैसा आप देख सकते हो ये बैठी हमारी कुकुर की दोनों, ये बैठी। सो इन्हें अच्छे से नहलाया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो आई थिंक इन्हें 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए थे नहलाए। वैसे इनका नाना मतलब गर्मी के मौसम में हफ्ते में एक बार करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया था इनका, तो इसलिए मैंने फिर आज वो मैंने नहला ही दिया है। तो इन्हें अभी लेके बाहर बैठा हूँ, आज डंडा लेके इन्हें खा लेके बैठा हूँ। एंड अब देख सकते हो हमारी बैठे हैं प्यारे को कुकी दोनों बैठे आराम से नहीं नहीं करके दोनों आराम से अपना थोड़ा सा इन्हें मिला के थोड़ा सा धूप में रखना पड़ता है ताकि ये खुद को सुखा ले, फिर थोड़ा सा सुखाने के बाद फिर इन्हें अंदर रखना पड़ता है। तो बाकी जैसे मैं बोला टाइम का अभी 12:45 हो चुके हैं एंड मौसम की बात करूँ तो मौसम भी मतलब धूप है, ह्यूमिडिटी भी है, तो अपना ध्यान रखिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ी देर मिलता हूँ अब लंच चैलेंज के बाद या उससे पहले जब भी मिलता हूँ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, सो टेक केयर सर। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक अगेन आप देख सकते हो एंड आपका भी टाइम हो रहा है 1:30 के आसपास, आपका टाइम आपको भी हो जाएगा। सो बेसिकली अभी मैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए आया था एंड आपको मैं चाय से लग रहा होगा, आपको मैं फिर से दिख रहा होगा कि मौसम का कितना बुरा हाल है। जैसा आप देख सकते हो मैं चाय में धूप पड़ रही है, तगड़ी वाली धूप एंड बिल्कुल धूप पड़ेगी क्योंकि गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। सो बेसिकली मैं बाहर आया था, ये आप जो तुम्हारा पार्क है, तो बेसिकली अभी मैं बाहर आया था क्या लेने के लिए, नमक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर में नमक को चीनी ना हो भैया कुछ काम नहीं होता। तो नमक लेने के लिए मैं बाहर आया था एंड नमक ले लिया है, नमक ले के अब जा रहा हूँ ऑन द वे टू घर वापस। सो बाकी आप भी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि ना अभी के टाइम में मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, ये मतलब ह्यूमिडिटी वाला गर्मी रखे बहुत तगड़ी वाली, तो ख़ासकर इस गर्मी में ना अपना बच के रहना, पानी पीते ना खूब सारा। कल तो मैं मंदिर आ गया यहाँ पे इस साइड, ये जैसे हमारा इस साइड हमारा आ गया हॉस्पिटल, तो इससे भी बोल जैसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जैसे मैं बाहर निकला हूँ अभी, कुछ इम्पोर्टेंट काम हो तभी बाहर निकलो वरना बाहर मत निकलो, क्योंकि जैसे आपको पता है मौसम का कहर इस टाइम पूरा बरसा हुआ है। तो बाकी मैं ये बोलूँगा मुझे तो ये लगता है कि है ना एक क्या बोलते हैं उसे एक जो है ना हमारे अर्थ को जो ऊपर से कवर करती है धूप से, तो वाली है ना वाली जो लाइन है, वाली जो रे है उसमें कुछ क्रैक आ गया तभी फिर सारी धूप तगड़ी वाली यहाँ पे आ रखी है, तो अपना ध्यान रखिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ थोड़े में अपना, आप भी टाइम से खाना पीना करते रहिएगा, तो मिलता है थोड़े में अपना ध्यान रखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक अगेन, आप देख सकते हो मैं पास में नॉर्मली चलने आया हूँ, मार्च प्रॉपर घूमने नहीं आया एक्चुअली, आज नॉर्मल चलने आया था, इसी वजह से मतलब ऐसे आप सोचेंगे मैंने पहना नहीं है अपना चश्मा भी जैसे मैं नॉर्मली पहनता हूँ जब मैं नॉर्मल घूमने आता हूँ, लेकिन चश्मा तो ऐसे टूट गया है एक्चुअली, मैं उसके ऊपर बैठ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे चश्मा था मैं उसके ऊपर बैठ गया, उसका एक सेट पूरा बिछक चुका है तो टूट गया चश्मा, तो एक लाना है नया फ्रेम। एंड वैसे इसमें कोई पावर भी नहीं है ऐसे जो कि दिक्कत हो मुझे, बट लेकिन यह है कि ऐसे मैं एक लुक के लिए पहनता था चश्मा। तो अभी आपको दिखा होगा पार्क में हलचल अच्छी खासी होना स्टार्ट हो गई है, पहले से बीच में कम हो गई थी जब कोविड के केसेस बढ़ गए थे, लेकिन अभी वह फिर से हलचल फिर से आना वापस स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी तक पार्क में घूम रहा था एंड मौसम अच्छा है, मतलब ये है कि हवा हल्की फुल्की हवा चल रही है, आपको दिखा होगा पूरा पे खासकर हो गया, तो मतलब हल्की फुल्की हवा चल रही है, हल्की फुल्की हवा, ऐसा नहीं है मौसम एकदम ख़राब है, लेकिन धूप भी नहीं है गर्मी भी नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी हल्की हल्की है, तो मौसम सही है घूमने फिरने के लिए। सॉरी मैसेज आया होगा, तो मौसम मतलब सही है घूमने फिरने के लिए। एंड बाकी आई होप आप भी बढ़िया होंगे, आप भी इतना ध्यान रखिएगा, खासकर शाम के टाइम में थोड़ा सा बाहर निकल जाया करो, थोड़ा सा वॉकिंग, थोड़ा सा रनिंग, जिम जाके कर लिया करो, सो अच्छा होगा आपकी बॉडी में आगे मतलब पूरा मेंटेन रहेगा कि मतलब आपकी बॉडी आगे के लिए तैयार रहेगी, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो अच्छा है बॉडी में ऐसे मतलब शाम के टाइम में भी आप अगर 15-20 मिनट भी थोड़ा सा अपनी कर ले तो फिजिकल एक्टिविटी जैसे नॉर्मल चलना, तो आगे बॉडी को बहुत आपको बेनिफिट देगा। एंड तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ घर जाते टाइम सीधा, एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा अपना थोड़ा सा चल लेता हूँ एंड आपको मिलता फेरे में सपने रहे ना फिटे के। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक अगेन, सो चल लिया है एंड मौसम भी ऐसा है देख लो
जस्ट चलो हम आज ना भागा ना कुछ करा प्रॉपर जस्ट चलाओ प्रॉपर चलने पे इतना पसीना आ गया था। सोचो कि बंदा का डेली आके भागे तो कितना पसीना आ जाएगा। बाकी अभी घर की तरफ जा रहा हूँ वापस, तो आप सोचोगे ऐसे ऐसे उल्टा लग रही क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि पास में देखो तो पीछे पीछे इतनी कई बार भीड़ आ जाती है, तो फ़ोन से थोड़ा सा ध्यान लगा के थोड़ा सा साइड से निकलना पड़ता है क्योंकि पास है कब को ना आ जाएगा। एंड बाहर भी जाओ बाहर भी गली में कौन कब आया कुछ बोल नहीं सकते। सो अभी ये पास से मेरी एक्सिट हो चुकी है, सो मेरी हो रही है घर वापसी। बाकी मैं कहता हूँ कि आपने ब्लॉग का एंजॉय कर रहे होंगे एंड एंजॉय तो कीप लविंग मी कीप सपोर्टिंग मी फ्रेंड्स। एंड मौसम का तो अभी अच्छा है, मौसम अभी बढ़िया चल रहा है, सो मतलब ये है कि अभी इस मौसम में बाहर निकल जाओ, वरना फिर बाद में कभी अगर गर्मी में निकलने का प्लान है दोपहर को फिर तो भैया भूल जाओ। शाम को जो भी टाइम मिलता है, शाम का मौसम थोड़ा अच्छा होता है जैसे कि आपका 5-6 बजे के बाद आपका मौसम आपका सही हो जाता है, तो उस टाइम में थोड़ा बाहर निकल जाओ शाम को जैसे घूमने फिरने तो बेस्ट टाइम है घूमने फिरने का। तो अभी आपका टाइम जैसे कि 7 बजे के आसपास आपका भी टाइम आपका भी हो रहा होगा। एंड ये मंदिर के एंट्रेंस गेट के यहाँ से सामने से सीधा जाओगे तो ये मंदिर के सामने से एंट्रेंस गेट सीधा जाओगे तो वहाँ पे आ जाता है अपना घर मेरा, मतलब आपका घर, क्योंकि आप मैं एक ही हम सब एक ही फैमिली है तो हमारा घर आ जाता है इस साइड में। तो हमारी गली में आ चुका हूँ मैं एंड सॉरी फ़ोन थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें क्योंकि कभी सामने से गाड़ी आए कभी इस साइड से लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा फ़ोन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। वही मैं से ये मैं सीखूँ कैमरे से भी, क्योंकि अभी मेरे जो व्लॉग्स आने वाले हैं वो आपके शूट होंगे कैमरे से, तो जैसे आप समझ सकते हो अगर कैमरे से शूट होंगे तो थोड़ा बहुत वो हैवीनेस होगा एंड कैमरा हैंडल करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं तो फिर उसकी ट्रेनिंग में हूँ कि प्रॉपर हैंडल कर पाऊँ मैं। एंड ये हमारे घर की गली में पहुँच चुका हूँ, तो अब थोड़ा सा घर जाके फ्रेशनअप होकर आपसे आराम से मिलूँगा, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, सो टेक केयर सर। सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स व्लॉग शेयरी बैक अगेन। एंड बहुत सारे लोगों का कमेंट मुझे आता है एंड बोलते हैं कि मुझे आपका जॉब बोल तो अपनी वीडियो से पहले एक डायलॉग वो उन्हें बहुत पसंद आता है, तो मैं डायलॉग किससे बोलता हूँ आपसे, सो हेलो फ्रेंड्स इट्स व्लॉग शेयरी बैक अगेन। सो बाकी मैं तो घर में तो बैठा हुआ था एंड पापा भी गए थे बहन को छोड़ने गए थे, बहन की अच्छी ड्यूटी नाइट ड्यूटी है तो पापा अभी भी स्कूटी से आए, पापा अभी भी स्कूटी से एंड मैं जानती हूँ मैं अभी पास में घूमने गया था, मैं अभी पास से आया वापस। एंड मामा को दिखा दो, मामा ना एक उसे लेके बैठे कैटरपिलर है, दिखा दो मैं आपको, है ना जो ये है कैटरपिलर, तो ये मैं सॉफ्टवेयर है इसे मैं बोलता हूँ कैटरपिलर को मैंने पी कर दिया कैटरपी, तो ये मैं सॉफ्टवेयर है। सो बाकी आप जैसे तो पूरा पसीना पसीना है शर्ट में, तो मैं थोड़ा सा मैंने मिलेगा मैं आपको दिखा दूँ। मैं कैटरपिलर को आपने पहले भी देखा है तो मम्मी से ऐसे गोद में लेके बैठी रहती है, मैं भी जब से अपने पास लेके बैठता हूँ तो मैं भी इसे लेके बैठता हूँ, बड़ा प्यारा है कलरफुल है। तो चलो फ्रेंड्स बाकी मैं तो सब फ्रेशनअप होता हूँ, फ्रेशनअप होकर आपसे आराम से मिलता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर से मिलते हैं सर एक बार। सो हेलो फ्रेंड्स सब लोग शेयरी बैक अगेन। जैसे कि आप सब जानते हैं आप सबने मेरा टारगेट पर किया था 100 सब्सक्राइबर, तो उसकी एक पार्टी हुई नहीं थी जैसे मैंने बोला खाने पीने गए थे, लेकिन डांस पार्टी पेंडिंग रह गई थी, तो मैं दोस्तों भाई बिजी था तो वो तो कर नहीं पाया डांस पार्टी में, हमने कोई प्लान कर नहीं पाया, लेकिन लगा नहीं डांस पार्टी तो बनती है बॉस, क्योंकि आपने इतना मुझे मतलब सपोर्ट किया है प्यार किया है, तो 100 सब्सक्राइबर होने पर ये डांस तो बनता ही है। तो इस क्लिप के बाद में आप भी देखोगे मेरी डांस क्लिप, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी डांस क्लिप, जो मतलब मुझसे मैक्सिमम हो पाए उतना मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर डांस आता नहीं है, लेकिन जो भी आता है वैसा डांस आता है जैसे आपने देखा होगा और शादी में जो हम जो डांस करते हैं पागल वाला डांस, वो डांस आता है। एंड मैं जब भी मूड ऑफ होता है कोई कोई बात होती है मैं वैसे डांस करके अपना माइंड फ्रेश लेता हूँ, तो आप मिस देखोगे क्लिप इस आप मिस देखोगे डांस क्लिप मेरा बोलने के बाद, तो मेरा क्लिप देखने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, अपना ध्यान रखना सो टेक केयर सर। Thank you.
सो हेलो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा डांस अच्छा लगा होगा। एंड बाकी मैंने ऐसे डांस में जो स्टेप दिल में करता गया, एंड एक होता है ना कि बंदा डांस करता है मतलब ऐसा क्या बोलता से अप मतलब एक ऐसा डांस करता है कि प्रॉपर डांस होना चाहिए, ये स्टेप। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मन में मेरे दिल में जो स्टेप आ जाए वो करो भाई, वो होता है सबसे तगड़ा डांस। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा डांस अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो मुझे ऐसे कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। एंड जैसे मैं नेक्स्ट टारगेट है 500 सब्सक्राइबर, तो वो करते हो तो मैं आपको उससे भी तगड़ा तगड़ा डांस दिखाऊंगा। तो चलो फ्रेंड्स, बाकी आप देख सकते हो मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुका हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा बैठा हुआ था, एंड ये मम्मी बैठी है मेरे साथ, और अभी भी पापा मम्मी पार्क में थोड़ा सा घूम के आए थे। मैं गया घूमने तो उस टाइम पापा भी गए थे, लेकिन मम्मी आने पर मम्मी घर में कुछ काम कर रही थी, तो हम दोनों के आने के बाद फिर मम्मी पापा दोनों गए घूमने, तो अभी मम्मी वापस आई है। तो चलो फ्रेंड्स, सब सीधा मिलेंगे रात को अब खाने के टाइम, या फिर रात को सोने से पहले जब भी मिलेंगे। ट्रेन अपना ध्यान रखना, मिलते हैं थोड़ी देर में, सोटे कर। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शादी बैक हो गए ना, जैसे तो आपका अभी टाइम हो रहा है रात के 12:02। तो बाकी मैं होप करता हूँ कि आपने मैं आज का लोग एंजॉय किया होगा, आपने मैं आज का लोग एंजॉय तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, एंड आवर चैनल मेरे जो है सब्सक्राइब। तो बाकी मैं होप करता हूँ कि आपने आज का पसंद किया हो, पसंद किया तो जो हमारे होते हैं यूट्यूब के रीति रिवाज पूरे करना, लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना भूलना मत, एंड चैनल करना सब्सक्राइब। तो कल मिलते हैं बड़े से सुबह के साथ, मैं प्रेयर को मिलते हैं बहुत बहुत प्यार, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। सो हम लास्ट स्टेप करके ब्लॉग को एंड करेंगे, बाकी बाकी आप कमेंट में बोलना कि आपको आज का लोग कैसे लगा, एंड जो भी कमी थी या जो भी मैं चेंज आगे करूँ इन फ्यूचर में व्लॉग में, तो आप मुझे कमेंट में बोलना। बाकी हम कल मिलते हैं बड़े सी सुबह के साथ, सो लास्ट तक कमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, चलते चलते विद केट हाई फाई।